गए थे, आपकी मुझे साहब ने जवाब दिया कि भेज दो। उन लोगों ने नहीं कहा, पति मेरा वही होना चाहिए जो संकट पड़ रहा है वो दूर होना चाहिए। स्वामी मेरी राखुल ने ये कहा, सप्ताह सी का मंदिर कबूल करो महाराज, अपनी शिवराज भेज भस्म कबूल करना। ये सास है वो भी भगता नहीं है, क्या है भगता नहीं है, एक कमर का है, ये बताऊंगा इसका टाइम आना है पर देखना चंदा का खेल बनाना, चंदा खेल बना, सारा खेल बनाना, सब खेल में मुझे कब बनेगा। बावन को आशीर्वाद हो, पान लैया करके लाए लो, यही मुदा तो गल्ले में, हां गल्ले में डाल दो, उसी में डाल दो, प्यालो को करेंगे, प्यालो मंगा लियो अपने आप। तेरा बहुत ऊंचा दान है, इसमें डाल दे बेटा, बहुत ऊंचा दान है इसमें, ये किबाड़ चलेगी बेटा यहाँ पर, पता है, और बेड़ा पार होगा। जब पैसा जगह को तुम्हारा आना पाई मिलाओ बेटा करो, बेटी दो लाख बेटा लाख दो बेटा लाई है ना, पांच है छोरीन की हो गई, एक एक की अगर चारों की लाओ तो लाओ। यहाँ मैं दिन सी के रखा जा रहा हूँ, फिल्टर जाओ अब बेटा पहुँचो, दुकान नहीं लगाना, कहाँ पे लगाता है बच्चा? नहीं बाजार में, कौन सी जगह? चौराहे पे रघुनाथी धंधे पे धंधा तैयार कर हो गया। पहुंचो तो बेटा लगाओ आशीर्वाद, दूसरे धागो समझ में आओ बाबा, दूसरे को इसको मतलब जब ही बांधना समय के आधा से बांधना। अच्छा कुछ बच्चा है माँ जाएगा वहाँ पे जाएगा तो मैं घोड़ा को दिमाग दौड़ा दूंगा कि हमें भैया प्रसाद ले लियो, कौन जा रहा है प्रसाद ले लियो, क्यों ले लियो तुम? हाँ बेटा तो बेटी आई, पता है तुझे तू आई थी यहाँ पे आई है, आपको ये पता था आपके साथ ससुर आए थे, आप जो आए थे साथ ससुर आए थे, पति भी आया, हेलो आया, हेलो तेरे बच्चे ने क्या दिया कि मेरे पति आना चाहिए? सारे कहा मैं वही हूँ थान पे। आपके माता पिता ने क्या जवाब दिया? अरे मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, सुन आपका यहीं का खेल है, आपके माता पिता ने कहा पिता दे जाओ, क्या बोला आपके माता पिता ने जवाब दिया था यहाँ से? आप पता पहले झटका मारा है, आगे पहले को कोई हुई क्या? आप सुना बेटा आज ये आए थे, क्यों आए हैं पता है? ये इसी कारण से आए थे, अतिपा लेने आए थे, क्या बोला? अतिपा लेने आए थे, आपको शांति दरबार से उन्होंने कहा तुम लोग शांति रहे थे, इस तरीके से वो सीधे चले गए थे, आपकी मुझे सास ने जवाब दिया कि भेज दो। उन लोगों ने नहीं कहा, आपका ये भोग शिव का मंजू कबूल होगा और काम पूरा होगा और बेड़ा पार होगा। बेटी तुझे मैं वचन दिया, सब दरबार के चरण लेके जाना और मन्नत मांगना, पति मेरा वो ही होना चाहिए जो संकट पड़ रहा है वो दूर होना चाहिए। ते सास है वो भी भगता नहीं है, क्या है भगता नहीं है, भगती करती है नान ग्रामी से करती है, अपने घर का जैसे कि घर का बेदी लंका धाम है, ऐसा ढूंढना था पार नहीं, पार नहीं बेटा तेरी कोई पार नहीं, तुम लोगों का ध्यान नहीं है। अब बेटा दरबार में अपने सर लो और माफी मांगो, ये कहना मेरा पति मुझे, मेरा पति मुझे मिलना चाहिए और मेरे दरबार में मैं आपके दरबार खुशी से फिर भी आएंगे, भोग लगाऊंगे, भोग पूर्ण होगा, काम पूरा होगा और बेड़ा
पार होगा। जय माता की, जय माता की। चिंता मत करो बेटा, घबराओ मत, संकट दूर करना है, तेरी मन कामना पूरी कर। सब पूरी करना है बेटा, किसी का कपूर है सबरा कबूल करो महाराज, अपनी शिवराज भेंट भस्म कबूल करना, काम करना पूरा करना बेड़ा। मऊ कमर देवती है देवी का, ये मंजू कबूल करो, काम करो बिरा कबूल करो, काम करो बिरा पा करो, सदा सुबह सदा सुबह रखना प्रभु, आपका भोग शिव का मंजू कबूल करो। ये किसके नाम का है, ये किसके नाम का है? लक्ष्मी है जब घर को। अच्छा लक्ष्मी बेटी, काम हो जाएगा, काम पूरा हो गया, काम का काम पूरा हो गया, नहीं करो आता बेटा पार होगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। घबराओ मत, ये दर्द आने आएगा, सदा सुखी रहेगा, काम करेगा पूरा करेगा बेटा पड़ेगा, आप जानते हो जो आता कोई बोले है कृपा मंजू कबूल करो। हाँ बेटा पूजा करना, अपने गांव में खेलने, गांव का खेल वालों काम होगा पूरा होगा मेरा पाल। मेरे पूरे शरीर में दर्द है रहा कई दिन से, नहीं होगा गर्दन पर्दन में और कुछ नहीं होगा, इसमें बेटा ये किसका भोग है? ये मेरा, इसमें भोग तो है ही नहीं, असली भोग बता से है नहीं है।